शिवाजी नगर कमला रमन नगर में सपा के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। जिन्हें मैं आगे बढ़ाता हूँ वही मुझे पीछे हटाता है। मेरा पाला हुआ बच्चा, मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। मैंने शुरू किया था ना, मैं ही पैक करूंगा इंशाल्लाह। अपोजिशन नशा नशा चिल्ला रही है, है हमें नशा, लेकिन किस चीज़ का? अबू आसिम आजमी ने हमारे लिए काम किया, हमारे लिए ये पानी लाए, हमारे लिए इन्होंने सड़कें बनवाई, हमारे घरों की हिफाजत करते हैं। है नशा हमें, और हम जवाब देंगे। भरपूर करना चाहेंगे अबू आसिम आजमी के बारे में। अबू आसिम आजमी देवनार और गोवंडी के लोगों की एक आवाज़ है, और असेंबली में, विधानसभा में जो आवाज़ उठाता है, यहाँ महाराष्ट्र में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो महाराष्ट्र में कोई आवाज़ असेंबली में उठाए, वो है यहाँ आवाज़ उठाने वाला अबू आसिम आजमी है। यहाँ के लोग अबू आसिम आजमी को लोग वोट करेंगे, यहाँ के लोग। ২০২৪ के चुनाव में जगह जगह चुनावी कार्यालय खोल रहा है। मानखुर्द शिवाजी नगर के कमला रमन नगर में सपा के बैनर तले चुनाव लड़ रहे अबू आसिम आजमी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान क्या कुछ कहा अबू आसिम आजमी ने, देखिए एक रिपोर्ट। नगर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन अबू आसिम आजमी के द्वारा हुआ। समाजवादी पार्टी का यह कार्यालय को बताना चाहेंगे वर्तमान विधायक मानखोर शिवाजी नगर के समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं। काफ़ी जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है अबू आसिम आजमी का। ये कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ आए हैं, वहीं एक क्रम कहा जाए तो पद यात्रा की शुरुआत की जा चुकी है। वहीं आज अबू आसिम आजमी का स्वागत जोरदार तरीके से कमला रमन नगर के लोग कर रहे हैं। आजमी साहब, किस तरीके का माहौल है आपका? ये आप खुद देख सकते हैं, यहाँ कोई जमा नहीं किया गया। हम लोग अपनी गाड़ी लेकर आए और यहाँ की जनता हमारे साथ जा रही है। कोई इसमें एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं है जिसको पैसे पर लाया गया हो, और पैसे पर लाया वो आदमी नकली होता है, और ये असली लोग हैं। अब माहौल इतना है, देखिए माहौल तो भीड़ तो हो सकती है, लेकिन जज्बात जो जोश है ना, वो बताता है कि अगली बार हम लोग चुन के आएंगे इंशाल्लाह। आपके प्रतिद्वंदी लगातार रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन वे कहते हैं कि उनके तरफ से रैलियां कम निकल रही है, तो क्यों, क्या वजह? कोई रैली की ज़रूरत नहीं, सब लोग कहते हैं आसिम भाई जाके बैठ जाओ, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? हम नई रैली निकाले तो उनको समझते हैं बहुत आगे जा रहे हैं क्या? सारे भाड़े के आदमी हैं, भाड़े के, वो मुझे आके कहते हैं आसिम भाई पैसा लेने दो, वोट नहीं देंगे। एक और बात, नारा बदलने की बात की जा रही है, माहौल बदलने की बात की जा रही है, किस तरीके का माहौल है जो बदलने की बात की जा रही है आपके प्रतिद्वंदी के द्वारा? माहौल इतना ख़राब है, और उसी पार्टी से वो हैं। बीजेपी के आने के पहले कभी बुरके पर पाबंदी की बात नहीं हुई थी इस मुल्क में। अब बुरका हमारे मजहब का एक फरीजा है। बीजेपी के आने के पहले गाय और बैल के नाम पर कोई मारा नहीं गया था। बीजेपी के आने के पहले लव जहाद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मुसलमानों को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जाता था। NRC लाकर मुसलमानों को निकालने की बात नहीं हो रही थी। सारी दुनिया से यहाँ गैर मुस्लिम आ सकते हैं, सिख आ सकते हैं, ईसाई आ सकते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं आ सकते। ये किसने किया? बीजेपी ने किया। क्या ऐसी बीजेपी कोई वोट देगा? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो उम्मीदवार है ना, वो बीजेपी के हैं, शर्माते क्यों हैं? माँ का दूध पिया तो सामने आओ ना कि मेरी निशानी घड़ी है, और घड़ी जो है बीजेपी के साथ अलायंस में है। अनुशक्ति नगर छोड़ के मानखुर शिवाजी नगर से लड़ना क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसलिए कि यहाँ के लोग जो है ना, उनको बिल्कुल वोट देते नहीं है बीजेपी को। तो जब वोट नहीं मिलेगा ना, तो ऐसे आदमी को खड़ा करो कि थोड़ा बहुत वोट ले ले। इसीलिए एक बुलेट पार्टी को खड़ा किया गया, एक नवाब मलिक खड़ा किया गया, और दो तीन खड़ा किया कि थोड़ा 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 वोट ले लो और हरा दो। यहाँ तक कि वे कहते हैं कि यहीं के लोग गए थे जो कह रहे थे कि माहौल ख़राब है, जिसमें आपको आना ज़रूरी है, तो क्या कहना चाहेंगे? बेचारा 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 है, झूठ बोलता है। और जब इलेक्शन होता है ना,
तो लोग नरेटिव ढूंढते हैं कि कौन सी बात लाऊं। अरे उसके पास कोई थूकने के भी नहीं जाएगा यहाँ का आदमी। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है गुरु शिष्य की लड़ाई क्या कहना चाहिए, जिन्हें मैं आगे बढ़ाता हूँ वही मुझे पीछे हटाता है, मेरा पाला हुआ बच्चा, मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है, मैंने शुरू किया था ना मैं ही पैक करूंगा इंशाल्लाह। ये अबू आसिम आजमी थे जो कि मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी से। आज ये भीड़ दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं अबू आसिम आजमी चौथी बार प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, वही हम आपको बताना चाहेंगे। आज जो भीड़ इकट्ठा हुई है इनका यह कहना है कि इस भीड़ को पैसे से इकट्ठा नहीं किया गया है। मैं मुकेश